सो हेलो, वेलकम ऑल यू गाइस, वेलकम बैक टू टॉयज एंड। अगर आप टॉयज एंड में पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप लौट के फिर से अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़, गेम्स और टॉयज़ का आइडिया लेने के लिए किसी ने आपको रेफ़र किया या किसी ने आपको बताया इसके बारे में तो आप आ रहे हैं, तो फिर भी आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है टॉयज एंड में। मैं सौम्या आपके लिए अमेजिंग एक्टिविटीज़, गेम्स, टॉयज़, अलग अलग तरीके के, बहुत कलरफुल, बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे जो उपलब्ध होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी जिनकी होती है, ऐसे गेम्स, एक्टिविटीज़, पजल्स मैं आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए लाती रहती हूँ। तो इसी तरीके से आज की लाइन में आपने देखा होगा अभी कितने प्यारे ही आपके सामने एक डोमिनोज बन के तैयार है, एनिमल डोमिनोज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन गेम है, सभी एज के बच्चे इंजॉय करते हैं। और इधर आपने एक देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे से बोर्ड गेम्स दिए हुए हैं जो बच्चे फिर से, जैसे डाइसेस हैं, दे एंजॉय अ लॉट। उसी के साथ यू कैन फाइंड सम क्यूब्स हियर, 3D क्यूब्स कुछ दिए हैं जिसमें हर फेस पे अलग अलग पिक्चर्स हैं। सो यस, दिस इज़ हाउ, ये क्यूब पज़ल है। तो इस तरीके की कोई भी, आप देख रहे हो, कोई भी तरीके का एक्टिविटी रिपीट नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज। सो यस, इसी के साथ आप और क्या क्या देख सकते हो, आगे आप कार्ड्स देख पा रहे थे तो अलग अलग मेमोरी कार्ड्स दिए हुए हैं। अलॉन्ग विद दैट वी हैव सम अमेजिंग ट्रायो मैचिंग कॉम्बोज बोर्ड गेम हियर, सो बहुत ही अच्छी बात। उसके साथ में अगर आपने देखा हो, ये बहुत प्यारा सा प्लांट आपको देखने को मिला होगा, दिस प्लांट अगेन, ये स्मार्टो किड्स की एक एक्टिविटी में माय प्लांट एक्टिविटी करके है, जिसमें लिटरली रियल कोको पीट के थ्रू, और जिसमें वो कुछ लाइक बीज भेजते हैं उस एक्टिविटी बैग में, और कैसे प्लांटिंग करते हैं, जैसे कैसे छोटे बच्चे उसे सीखेंगे वो सब बताते हैं। तो इसी तरीके की कई सारी एक्टिविटीज़, गेम्स, इनफैक्ट टॉयज़ भी, बहुत सारे टॉयज़ अवेलेबल हैं, यू कैन फाइंड देम वेरी ईजली ऑन टॉयज हंट। मैं आपके लिए, आपके सारे छोटे छोटे सारे से प्यारे से बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़, गेम्स इस पेज पर आपको अनबॉक्स करके उनके बारे में अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन देख के और फिर बता के आप तक लाती हूँ। सो यस, आज के एपिसोड में वी हैव ब्रॉट some games, some activities, some sort of craft activities for age group from 2 to 6। तो मेरे पास 2 से 3 साल के बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी होगी, या 3 से 4 साल के बच्चों के लिए होगी, फिर 4 से 6 साल के लिए बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और उन लोग तक पहुँचाइए, दोज हु आर एग्रेसिवली लुकिंग फॉर, जो देख रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या गेम्स, किस तरीके की एक्टिविटीज़ और किस तरीके के टॉयज, जिन्हें बहुत बड़ा हेडेक लगता है ये सब पूरे में देखना ढूंढना। सो प्लीज़ लेट देम विजिट हियर, ये टॉयज हंट पेज पे इफ दे फॉलो हियर, दे विल, उनको सारी जो परेशानियाँ हैं दे विल बी गॉन। So with that, without a further ado, let us get started with आज 2 से 3 साल के बच्चों के लिए मेरे पास क्या है, let us start with that। Yes, I hope you all are doing great, you are doing well। So पहली एक्टिविटी 2 से 3 साल के बच्चों के लिए I have, this is called jigsaw puzzles, jigsaw नाम है, and it is this bag that you see, this white cloth bag is from Smarto Kids। एंड एक्टिविटी टाइप इज़ रिपीटेबल, मतलब इस एक्टिविटी को आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं, वन टाइम यूज़ एंड थ्रो टाइप का एक्टिविटी नहीं है। अगर आप एक बार ख़रीदते हैं तो इसे बार बार अपने आपके बच्चे खेल सकते हैं। सो यस, दिस इज़ जिग्सो एक्टिविटी, एंड विद, और उसके साथ ही इसमें दिया होता है कि कौन कौन सी स्किल्स इस गेम के थ्रू या इस एक्टिविटी के थ्रू 2 से 3 साल के बच्चों में शार्पन होती हैं, डेवलप होती हैं। छोटे बच्चों में इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उन्हें शुरुआत के पाँच सालों तक उन्हें अच्छा, उनका जो ब्रेन होता है डेवलप्स एट अ वेरी फास्ट पेस,
तो उस हिसाब से उनको ऐसा, उनके ब्रेन को ऐसा फूड देना चाहिए दैट लेट्स देम एक्टिवली वर्क ऑन दैट. बहुत अच्छे से काम करते रहना चाहिए उनका ब्रेन. सो यस, दिस एक्टिविटी इज दिस जिग्सॉ. यू कैन सी इसमें लिखा है कितनी कितनी स्किल्स इस एक गेम के थ्रू एक छोटा सा बच्चा एटलीस्ट स्टार्ट करता है या शेप अप करता है या ही डेवलप्स इट स्लोली. सो पहली है कोऑर्डिनेशन, इमेजिनेशन, अटेंशन, फिर मेमोरी, कॉन्फिडेंस, फेमिलियरिटी सब. और उसके साथ इतना ही नहीं, ऑल्सो किड्स एन्जॉय दीज एक्टिविटीज़ क्योंकि जिग्सॉ पजल्स आई नो कि एवरी वन ऑफ हर्स हैज़ प्लेड एंड दे आर सुपर अमेजिंग एंड हियर आई शो यू हाउ इट इज़. सो मैं ये क्यूब पजल्स को थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, इस गेम बोर्ड को थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ और जो अच्छा सा एक डोमिनोज बना हुआ है उसे रहने देती हूँ और फिर देखती हूँ इस एक्टिविटी बैग में जो जिग्सॉ पजल्स है वो. तीन जिग्सॉ पजल्स आपको तीन एनिमल कैरेक्टर्स के मिलते हैं. याद रखिए ये जो जिग्सॉज मैं आज खेल रही हूँ दीज आर ब्रॉट बाय लाइक स्मार्टो किड्स. स्मार्टो किड्स से मैंने लिए हैं. सो यस, इसमें तीन एनिमल्स मिल जाते हैं, तीन एनिमल पीस पजल्स मिल जाती हैं जिसमें आई कैन क्लियरली सी कि फर्स्ट इज़ अ थ्री पीस पजल. तो किड्स हु आर स्टार्टिंग विद जस्ट लाइक दे हैव अभी 2 साल के हुए हैं, दे आर स्टार्टिंग विद सम एक्टिविटी. सो एक थ्री पीस पजल जो है उनके लिए शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है, उनको ईजी भी पड़ता है एंड उनको खेलने की आदत लगती है विद दैट. उसके बाद हमारे पास 4 पीस पजल्स यू कैन सी एंड ऐसे ही करके 5 पीस पजल्स हैं एंड द क्वालिटी इज़ मतलब मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकती क्वालिटी के बारे में बिकॉज़ सही में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्टिफ मटेरियल है एंड स्टिल नो प्लास्टिक इज़ देयर. तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, स्मार्टो किड्स के ऑलमोस्ट हर हर प्रोडक्ट ही प्लास्टिक फ्री होता है. और उनके पास हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए, आप 12 साल तक के बच्चों के कुछ एक्टिविटीज़, गेम्स, पजल्स सब अलग अलग तरीके के, या तो बोर्ड पजल्स हैं या फिर तो जैसे शेप लॉक पजल्स हो गई, पेंटो पजल्स हो गई. दे हैव गॉट अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शन एंड यू मस्ट चेक दिस कलेक्शन आउट. जो 3 एक्टिविटीज़ है वो तो मैं आज आपको अच्छे से डिस्प्ले करके दिखाऊंगी ही. उसके बाद भी इफ़ यू आर लाइक हमें और एक्टिविटीज़ देखनी है और आइडिया लेना है देन दिस इज़ द लोगो. यू कैन सी दिस इज़ द स्मार्टो किड्स. दिस इज़ वन ऑफ देयर एक्टिविटी बॉक्स. आई गेस दिस इज़ द बेस्ट सेलिंग बॉक्स ऑफ देयर्स. सो दिस इज़ 11-in-1 कॉम्बो पैक प्ले एंड लर्न एक्टिविटी बॉक्स. जैसे मैं आपको एक एक एक्टिविटी दिखा रही हूँ इसी तरीके के इस बॉक्स में जो कि सभी एज ग्रुप के लिए वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ. तो इस अकेले बॉक्स में यू गेट 7 डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट टू जस्ट फॉर अ वेरी जस्टिफाइड एंड वेरी रीजनेबल प्राइस. आपको शायद वेबसाइट पे एक्सक्लूसिवली यू विल फाइंड इट फॉर 649 ओनली. उसके अंदर आपको 7 एक्टिविटीज़ अलग अलग मिलती हैं, रिपीटेबल. कुछ वन टाइम एक्टिविटी भी हो सकती हैं बट वन टाइम एक्टिविटी जनरली क्राफ्ट्स वाली होती हैं वेर इन यू आपके बच्चे को क्राफ्ट से इंट्रोड्यूस होने का और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म तरीके से हो जाता है. और इसके साथ ही यू गेट अ स्टोरी बुक, बहुत ही पिक्चर बेस्ड स्टोरी बुक्स जो बच्चों को पसंद आती है एंड विद ग्रेट इंडियन वैल्यूज़. और उसके बाद यू ऑल्सो गेट एक्टिविटी शीट, इंगेजमेंट ट्रैकर एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर वो पेरेंट्स के लिए सो दैट दे कैन चेक द एंड ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ देयर चाइल्ड. सो इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है वेर इन यू गेट आई ऑलरेडी टोल्ड 7 एक्टिविटीज़. और ये इफ़ यू आर लुकिंग टू परचेज दिस यू कैन गो ऑन टू देयर वेबसाइट इज www.smartokids.com. वेरी इजीली यू कैन चेक ऑल, मतलब आप ये वेबसाइट पर विजिट करो www.smartokids.com और आप खुद के लिए, आपको अपने 2 से 12 साल के जितने भी साल के बच्चे हैं उनके लिए अगर गेम्स ढूंढने हैं, अगर एक्टिविटीज़ ढूंढनी है, इतना ही नहीं है अगर आपको कुछ गिफ्ट्स देने के लिए आप सोच रहे हैं बच्चों को या फिर आपके बच्चे की पार्टी और आप रिटर्न गिफ्ट आइडिया सोच रहे हैं, आपको हर बजट में हर तरीके की अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़
अच्छे अच्छे गेम्स और बहुत सारे कॉम्बो पैक्स, मतलब ये एक 11-in-1 कॉम्बो है, इसी के साथ एक 3-in-1 कॉम्बो करके भी आता है. सो दिस इज़ हाउ दिस बॉक्स इज 3-in-1 कॉम्बो करके भी आता है. ये अराउंड ये मैंने बताया, ये वेबसाइट पे ही सबसे सस्ता आपको मिल के सब जगह जाएगा, ऑलमोस्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा. बट द बेस्ट डील दैट यू कैन गेट, बेस्ट डील आपको ये वेबसाइट पर मिलेगी. तो गो एंड चेक आउट www.smartokids.com. अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये जिक्सो पज़ल जो 2 से 3 साल के बच्चों के लिए है वो कितनी बेहतरीन सी पज़ल है. सो यस, जैसे मैं पहले 3-piece पज़ल्स करके दिखाती हूँ, तो मैं आपको इधर सामने ही खड़े होकर ऐसे ही दिखा दूँगी. लुक हाउ ब्यूटिफुली, हमारे लिए आसान है बिकॉज 3-piece है, पर 2 से 3 साल के बच्चों के लिए इट इज़ अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन. दिस इज़ अगेन, ये एक बहुत अच्छी बात है स्मार्टो किड्स की, कि उनके सारी ही एक्टिविटीज़, सारे ही गेम्स, सारी ही कुछ भी कह लो, कार्ड गेम्स है, बोर्ड गेम्स है, कुछ भी हो, वो एज अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन किए जाते हैं. मतलब एज अप्रोप्रिएट कैसा, अक्सर हम देखते हैं कि हमने अगर कोई इस टाइप के गेम्स ऑर्डर किए अपने बच्चे की एज को ध्यान में रखते हुए, तो अक्सर देखने में आता है कि या तो एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही सिंपल आ जाती है या तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स. तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आती है तो बच्चा उसे नहीं एंजॉय कर पाता, ज़्यादा सिंपल आ जाती है तो बच्चा उससे बोर बहुत जल्दी होने लगता है. तो इस केस में कैसा है, इन दिस केस स्मार्टो किड्स की एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, जो कि एज अप्रोप्रिएट हो एक्टिविटीज़, इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं. सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ आई हैव ड्रॉन दिस 3-piece एलिफेंट पज़ल. सो यस, इट गोज़ दिस वे. इसी के साथ लेट अस मूव ऑन टू आर नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट पज़ल इन द सेम बैग. एक ही बैग में 3 अलग अलग तरीके की पज़ल्स आपको मिलती हैं. इसका प्राइस आपको इजीली पता चल जाएगा वेबसाइट पर मैं आपको एक ऑफ़र देना चाहूँगी. इफ़ यू शेयर दिस वीडियो यू विल गेट एन एडिशनल 5% ऑफ ऑन एवरी प्रोडक्ट दैट यू परचेज फ्रॉम स्मार्टो किड्स टुडे. सो यस, अभी एक 4-piece पज़ल है, येट बहुत ही अच्छी सी, मैं तो बहुत इजीली बना लूँगी शायद. यस, नीचे रख के बनाती हूँ क्योंकि बच्चा भी तो आखिर वैसे ही बनाएगा. सो दिस इज़ हाउ आई होप यू कैन सी द बनी. मैं ऐसे ही बना रही हूँ जिससे आपको फेस करें कितना क्यूट तरीके से बनी बना है. कैन यू सी, यस, इसी तरीके से एक 5-piece पज़ल हो जाती है जिसमें लायन देते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट यस, अगर बच्चा इसे अच्छे से करने लगा है, इसे अच्छे से करने लगा है, तो यस, उसको आगे बढ़ाइए और यू कैन गो फॉर 5-piece पज़ल. लुक एट इट, कितनी ही अमेजिंग कैरेक्टर्स भी कितने क्यूट लग रहे हैं. लायन दे हैव गिवन एलिफेंट एंड दे हैव गिवन अ रैबिट. यस, सो ये 2 से 3 साल की बच्चों के लिए, नाम याद रख लीजिए, जिक्सो एक्टिविटी का नाम जिक्सो है, एंड वेर इन यू गेट जिक्सो पज़ल्स. जिक्सो पज़ल्स आर एन्जॉयड बाय किड्स ऑफ एवरी एज, बट हर एज को ध्यान में रखते हुए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी पड़ती है. तो जैसे अगर मैंने ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए दिखाई है, बट अगर आप जाके वेबसाइट पे देखोगे तो आपको 4 से 5, 6 से 7, 8 से 7, 7 से 8, 9, 10, 11, 12 हर एज ग्रुप के लिए जिक्सो पज़ल उन्हीं की कॉम्प्लेक्सिटी की या फिर उन्हीं के लेवल की मिल जाएंगी. सो वेरी ईजी टू ब्राउज ऑन देयर वेबसाइट www.smartokids.com. और उसके बाद भी इफ़ यू लाइक वॉन्ट दिस कम्फर्ट एट योर फोन, सो यस, दे हैव दिस व्हाट्सएप नंबर 8799576722. प्लीज नोट इट डाउन और यूजिंग योर फोन जस्ट यूज़ दिस नंबर एंड सेंड अ टेक्स्ट टू देम. जो भी एक्टिविटी आपको पसंद आती है या फिर कैसा कुछ भी आपको क्वेश्चन हैं, कैसे ऑर्डर करना है, क्या क्या मोड्स ऑफ पेमेंट है, so you can go on this WhatsApp number 8799576722 and check for yourself ki kaun sa activities, kaun sa games, kis tarike se, how they are going to deliver,
एंड कोई भी और क्वेरीज हो यू विल फाइंड ऑल योर आंसर्स हियर. उसके साथ ही लेट अस, ये तो हमारी हुई 2 से 3 साल के बच्चे की एक्टिविटी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आर नेक्स्ट, यस अ नेक्स्ट एक्टिविटी. मैं अब देखती हूँ 3 से 4 साल के बच्चों के लिए क्या लाई हूँ. सो यस, ये मैं वापस बैग में रख देती हूँ. 3 से 4 साल के बच्चों के लिए आई हैव गॉट दिस मैचोमेनिया टुडे. मैचोमेनिया बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ये गेम पसंद आता है बच्चों के लिए. इवन किड्स इन्जॉय इट वेरी मच. 3 से 4 साल के बच्चे का मैं आपको दिखा रही हूँ, पर ऑन देयर वेबसाइट एज यूजुअल मैं फिर से बताती हूँ आपको, 2 से 3 साल के भी मिल जाएंगे. और ये 3 से 4 से क्यों मैं बता रही हूँ, और 4 से ऊपर वालों के लिए भी, 4 से ज़्यादा एज वाले बच्चों के लिए भी ईजिली मिल जाएंगे. तो इस बैग में मैचोमेनिया अगेन एक रिपीटेबल एक्टिविटी है. सारी ऑलमोस्ट शायद मैं जो एक्टिविटी ला रही हूँ रिपीटेबल हैं, मतलब आप अगर परचेज करते हो, आप अगर लेते हो और अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो अपने बच्चे के लिए, सो ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट यूज़ देम अगेन, बार बार यूज़ कर सकते हो. देखती हूँ इसमें ऐसा क्या है. सो एक तो मैनुअल निकलती है टू स्टेट कि क्या क्या है, और मुझे दिख रही है अलग अलग शीट्स. सो यस, दिस इज हाउ एक यू गेट दिस मैनुअल, जिसमें मेंशन होता है कि क्या क्या है इस बैग में इंक्लूडेड आइटम्स. तो इसमें 14 शीट्स हैं, 112 मैचिंग गेम्स हैं. 14 शीट्स, लेट मी चेक. थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, आई होप यू शेयर दिस वीडियो टू. सो यस, 14 शीट्स में दिखा रही थी. तो यू कैन सी 14 शीट्स विद अलग अलग थीम, सो दैट किड्स गेट अ गुड आइडिया. फाइंड द मिसिंग पीसेज है पहले में, वेयर इन इफ़ यू कैन सी उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दिया उसमें से कुछ पार्ट उसका मिस कर दिया गया है, एंड इन द राइट साइड ऑफ द शीट आपको वही मिसिंग पार्ट मैच करना होता है. तो हाउ डू दे डू इट, इसी के साथ दे गिव 8 कलर टोकन्स. कैन यू सी हाउ दे हैव नॉट रियली यूज्ड एनी प्लास्टिक. सो ये दिस इज़ अ होम ग्रोन ब्रांड और प्लास्टिक्स नहीं यूज़ करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. 8 कलर टोकन्स मिल जाते हैं, शीट्स मिल जाती हैं अलग अलग. चलो इसको देख लेती हूँ, शीट्स भी आपको दिखा देती हूँ. मैचोमेनिया समझ में आ रहा, मैच करना होता है. एक साइड देख सकते हो आपको अलग अलग कलर्स दिखते हैं, और एक साइड आपको टोकन्स रखने के लिए, अलग अलग कलर के टोकन्स रखने के लिए जगह देती है. और उसी बीच में दे हैव डिज़ाइन दिस, लेट्स ए गेम एक्टिविटी जो भी कहना चाहें. तो ये जैसे हो गया फाइंड द मिसिंग पीस, ऐसे ही करके दूसरे में निकलेगा मैच द डायरेक्शंस. ओके, हर उसमें अलग अलग तरीके की थीम पे बेस्ड शीट्स हैं, जिससे मात्र एक एक्टिविटी से एक चीज़ का आइडिया नहीं लगता है, दे गेट अ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आइडिया लग जाता है एक एक्टिविटी करने भर से. सो सेकेंड में मैं देख सकती हूँ, फर्स्ट रूल दिखा दी तो पेयर द शेप्स, जो कि 3 से 4 साल के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है. एंड हियर इज फाइंड द करेक्ट शेडो. अलग अलग चीज़ों का आइडिया ओनली विद वन एक्टिविटी, हाउ अमेजिंग इज दैट. सो ऐसे ही करके कितनी सारी यू कैन फाइंड एनिमल्स हैं इसमें, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हैं, सिमिलरली एनिमल्स इन दर फेस, मैच द बर्ड्स, उसके बाद भी अभी बहुत कुछ है, करेक्ट सीक्वेंस मैच करना. तो आप देख रहे हो अलग अलग तरीके की मतलब आपको, आपका बच्चा ये एक एक्टिविटी करेगा और उसे अलग अलग तरीके का आइडिया लगता रहेगा हर तरीके का, जिस पे एक्टिविटी बेस्ड है, जिस पे शीट बेस्ड है, जिस थीम पर भी, उसका अच्छे से आइडिया आप उसके थ्रू उसे दे सकते हो. लुक एट दिस, मैच द करेक्ट सीक्वेंस. ये हम छोटे में जो गेम्स खेलते थे फाइंड द वे आउट, उस पे बेस्ड है. एंड देन देर इज दिस मैच द लिविंग बींग्स, यस लुक एट इट. फिर देर इज मैच द शेप्स, उसके बाद है मैच द फ्लावर पैटर्न्स, ये ख़त्म ही नहीं हो रही यहाँ पे. एंड दिस इज मैच द आइटम. सो कितना कितना बढ़िया तरीके से दिया हुआ है सब कुछ. एंड लास्ट में दे हैव ऑल्सो गिवन दीज आंसर शीट्स.
टू क्रॉस चेक द आंसर्स. चलो मैं एक आपको कोई भी करके दिखा देती हूँ ये बताने के लिए कि 3 से 4 साल का बच्चा इस एक्टिविटी को कैसे खेलता है. आई फाइंड के मुझे शेडो, शेडो इंटरेस्टिंग लगेगा. यस, तो शेडो करके दिखाते हैं. शेडो में आप देख सकते हो, शेडो में गेम्स खेलते खेलते ही उसको आइडिया लग जाएगा. लाइक दिस इज, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका शेडो ढूंढ लेगा, गुड इनफ. बट देन उसको आइडिया लग जाएगा, दिस इज़ अ लेडी बग. यस, एक लेडी बग बनाई हुई है. सो यस, इसी तरीके से देयर इज दिस ऑक्टोपस, फिर देयर इज दिस कैटरपिलर, बटरफ्लाई और टर्टल और हनी बी. इस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, आई शुड से ऑफ क्रीचर्स आर गिवन हियर, और उसको मैच करना होता है. दिस इज जेलीफिश एंड दिस इज ऑक्टोपस एंड दिस इज अ वुल्फ एंड दिस इज आई गेस अ फॉक्स. सो यस, ऑल दीज एंड विद देयर शेडोज, हर तरीके की शेडो से. सो कैसे करते हैं, लुक एट दिस, ये लेडी बग है, रेड कलर का, रेड कलर के उस पर ये लेडी बग है. ओके, तो आई विल फाइंड द शेडो, मैं इसमें शेडो ढूंढूंगी लेडी बग की, विच मेरे को ये दिख रही है यहाँ पे, उसके जो सामने कॉरिस्पॉन्डिंग जो टोकन है, तो मैं उसमें से इन्हीं कलर टोकन्स में से रेड कलर लूँगी और रेड कलर का टोकन यहाँ प्लेस कर दूँगी. फिर नेक्स्ट पे मूव करूँगी, तो इफ़ आई से ये जेली फिश है, सो मैं पिंक कलर का ये टोकन, क्योंकि जेली फिश इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस पिंक कलर, पिंक कलर, येस एग्जैक्टली. सो फिर यहाँ पे जेलीफिश मुझे यहाँ दिख रही है, तो ये मैं पिंक कलर का टोकन लूँगी एंड आई प्लेस इट हियर. इसी तरीके से दिस इज हाउ दिस गेम इज़ प्लेड, और बहुत पसंद आता है बच्चों को, और एक्टिविटी में और रिपीट कर सकते हो, क्योंकि आप टोकन चिपका नहीं रहे हो, यू जस्ट टेम्प्रेरी, आप टेम्प्रेरीली उसे प्लेस कर रहे हो उस जगह. सो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी 3 से 4 साल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, विच कौन सी स्किल्स पे काम करती है, सब दिया हुआ है, इमेजिनेशन, अटेंशन, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, कल्चर, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. सारी स्किल्स, सारे ही एक्टिविटीज़, अगेन आई एम टेलिंग स्मार्टो किड्स की, आर डिज़ाइंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. तो एक ये फ़ायदा हो जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि कुछ एरियाज़ ऑफ स्किल डेवलपमेंट होते हैं जहाँ वर्क कराना चाहिए हमें किसी भी बच्चे को. तो यस, अगर हम अलग से नहीं उस पर ध्यान दे पा रहे हैं, तो अगर ऐसी हम एक्टिविटीज़ बस खरीद लेते हैं या एक्टिविटीज़ बस अपने बच्चे को ऐसी खिला देते हैं, तो वी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ, वो स्किल्स उसमें धीरे धीरे आती जाएंगी. सो यस, दिस इज़ एन अमेजिंग वे टू टीच योर किड्स. कैसा होता है कि बच्चे को ना एक होलसम लर्निंग एनवायरमेंट मिलता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है इनके जो एक्टिविटी बॉक्सेस हैं उनसे, क्योंकि बच्चा खेलता भी है, सीखता भी है, एंगेज्ड भी रहता है, एक्टिव भी रहता है और एक्साइटेड भी रहता है इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते टाइम. सो यस, अगेन दिस, ये थी 3 से 4 साल के बच्चों के लिए स्मार्टो किड्स की मैचोमेनिया एक्टिविटी. 3 से 4 साल के बच्चों के लिए, यू गो चेक, यू विल फाइंड इट ऑन www.smartokids.com और यू विल ऑल्सो फाइंड इट ऑन मे बी Amazon, फर्स्ट क्राई, Flipkart, सब पे मिलेगा. बट द बेस्ट प्राइस यू विल बी गेटिंग इज आई थिंक फ्रॉम देयर वेबसाइट. और वो सबसे बेस्ट भी पड़ेगा, क्यों, लेट मी टेल यू, क्योंकि अगर आप उनकी वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हो, कोई भी एक अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट लेते हो या कोई एक्टिविटी या कोई गेम लेते हो, 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. यू कैन गो फाइंड बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, पजल्स और एक्टिविटीज़ और क्राफ्ट आइडियाज, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे. तो अगर आप वेबसाइट से परचेज करते हो, तो आपको एक यूनिक लिंक मिलती है, उस लिंक को अगर आप रेफर करते हो अपने नेटवर्क में और पेरेंट्स को या फिर और टीचर्स को या फिर एनी वन हु हैज़ गॉट टू डू सम थिंग्स विद कि किड्स को ऐसी एक्टिविटीज़ और जिनके साथ में वो लोग जो परचेज करेंगे, अगर वैसे लोग इसे आपकी लिंक के थ्रू खरीदते हैं या कोई भी परचेज बनाते हैं उस वेबसाइट पे, कैसा होता है कि अगर वो कुछ भी परचेज करते हैं, तो उसका कुछ शेयर कमीशन की तरह आपके पास भी, आपके स्मार्टो वॉलेट में भी आता है. तो यस, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने और परचेजेस के लिए साइट पे.
इतना ही नहीं है कि अगर आप जैसे आप मैं आपको रिफ़र कर रही हूँ, आप मेरी लिंक से अगर आप ख़रीद रहे हो, क्योंकि मैंने एक बार ख़रीदा हुआ है, मुझे एक यूनिक लिंक मिल गई, उसे मैंने आप तक पहुँचाया, फिर आपने उससे परचेज़ किया, तो आप जो भी परचेज़ करोगे आपके उस परचेज़ का कुछ कमीशन आई विल बी गेटिंग। इतना ही नहीं, आपके थ्रू मेरी उस लिंक से कोई और भी परचेज़ करेगा तो उसका भी कुछ कमीशन विल कम बैक टू मी। तो एक तरीके से नेटवर्क से ज़्यादा ये वेब की तरह हो जाता है, तो आपको अर्न करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, जिस चीज़ को आप बाकी फिर से यही स्मार्टो किड्स वेबसाइट पे आप यूज़ कर सकते हो, और कोई भी परचेजेस में आप अपना इस चीज़ का प्राइस कम कर सकते हो, या फिर कई बार ऐसा होता है इतना नेटवर्क रीच इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई बार कोई भी एक्टिविटीज़ या पजल्स या बॉक्स लेने जाते हैं तो इट इज़ डिलीवर्ड फॉर फ्री, बिकॉज आपको नहीं पता चलता, पर आपका ये नेवर एंडिंग जो रेफरल है वो इतना बढ़ जाता है कि यू गेट सो मच ऑफ कमीशन थ्रू देयर थ्रू दिस प्रोग्राम। सो येस, smartokids.com पे आई एनकरेज यू टू पर्स। और मैं इसके साथ ये भी बताना चाहती हूँ दैट अलॉन्ग साइड ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज दैट यू आर सीइंग, स्मार्टो किड्स हैज़ मेड इट्स रीच टू ऑलमोस्ट 20,000 प्लस सिटीज़, 20,000 से ज़्यादा शहरों में वो ये स्मार्टो किड्स की एक्टिविटीज़ आज के समय पे खेली जा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स उन्हें इंगेज रख रहे हैं इस तरीके से, एंड दे आर हैप्पी। कैसे पता चलता है दे आर हैप्पी? आप रिव्यूज़ चेक करोगे, आप खुद देखोगे कि येस दे आर जेन्युइनली हैप्पी, दे शेयर स्टोरीज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, दे राइट गुड रिव्यूज़ विच इज़ अ टेस्टिमोनियल, एक तरीके से ये टेस्टिमोनियल की तरह काम करता है कि येस पेरेंट्स आर रियली हैप्पी विद वॉट दे हैव गॉट। सो दिस मैचोमेनी एक्टिविटी आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आई होगी। सो दिस इज़ द एक्टिविटी, अब देख लो आप, ये एक्टिविटी आपको वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी, ये अलग अलग शीट्स मिलती हैं और फिर ये कुछ स्टिकर्स कुछ टोकन्स मिलते हैं विद दैट। अब मैं लास्ट मैं अब 4 से 12 साल के बच्चों के लिए कुछ क्राफ्टिंग के आइडिया लाई हूँ, तो मैंने ढूंढ के निकाली है ये फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी, आप देख सकते हो, तो ये एक वन टाइम एक्टिविटी है, ओके, और क्राफ्ट की बेस्ड है, तो यस इसमें बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, सेंसरी, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, इमेजिनेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, फैमिलियरिटी, ये सारी स्किल्स पे काम करती है ये एक्टिविटी, तो देखते हैं क्या क्या आता है। ओके, एक बुकलेट दिख रही है मुझे, देयर शुड बी अ मैनुअल, यस एक मैनुअल है फिंगर पेंटिंग की, और मैं देख लेती हूँ क्या क्या आइटम है। दिस इज हाउ द बॉक्स रीचेस अस, तो इस बैग में मुझे मिलता है एक एक्टिविटी बुक जो कि शायद ये है, कलर सेट और एक मैसी मैट। फिंगर पेंटिंग है तो बट अंडरस्टूड कि ये फिंगर के थ्रू पेंट करना होगा, बट दिस मैसी मैट इज़ एन अमेजिंग आइडिया, बच्चे और घर गंदा नहीं हो जाए तो सबसे पहले विल प्लेस दिस मैसी मैट अराउंड हियर, एंड यू गॉट दिस फिंगर पेंट स्टोरी बुक, वाओ लुक एट इट, हाउ कलरफुल इज दिस बुक, और अलग अलग पेजेस यू कैन फाइंड अलग अलग, जैसे इसमें ज़ीब्रा मिल गया कोई, देन एक मीडोज मिल गई, देन देर इज अ वाटर बॉडी सी आई शुड कॉल प्रेफरेबली, एंड एंड डज इट स्टॉप योर, नो नो, लुक एट अमेजिंग अमेजिंग पिक्चर्स, हाउ ब्यूटिफुल, और आराम से इतना ज़्यादा पेजेस हैं कि किड विल ऑलमोस्ट इन्जॉय इट, अगर वो रिपीटेडली भी करते हैं एन्जॉय इट फॉर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम। लुक एट दिस पीकॉक, ओ माई गॉड, सब पे आप देख रहे हो ये फिंगर के इम्प्रेशंस के लिए वो दिए गए हैं, सो दैट, एंड इसके साथ ही कलर्स दिए गए हैं, राइट, तो यस कलर्स मिल जाते हैं, कलर्स के थ्रू ही दे टेल ऑन दिस मैनुअल, आस्क योर चाइल्ड टू टैप हिज और हर टू फिंगर, वन और टू फिंगर्स इन द कलर, और फिर उसके बाद फिंगर इम्प्रेशन यहाँ पे, कलर्स के फिंगर इम्प्रेशन यहाँ पे कुछ बहुत ही अमेजिंग आर्ट क्रिएट करते हैं, और ये जब आपके बच्चे आर्ट क्रिएट करेंगे
आई एम श्योर यहाँ पे शुरुआत में उनको ऐसा होगा कि उंगली यहाँ की जगह यहाँ पे इम्प्रेस कर रहे हैं या यहाँ पे इम्प्रेस कर रहे हैं. धीरे धीरे बाय द टाइम दे रीच दिस स्टेज दे विल बी प्लेसिंग इट ऑन द राइट वाइट, जो भी ये दिया हुआ है उसी वाइट स्पेस के अंदर ही दे विल बी प्लेसिंग इट. सो ये दिस इज़ हाउ उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती है उनकी. एंड इसके बाद भी उनको एक आइडिया लग जाता है कि हाउ दिस फिंगर प्रिंटिंग एक्टिविटी इज़. तो उसके बाद यू कैन गिव देम अ ब्लैंक शीट एंड दे कैन ट्राई फिंगर पेंटिंग्स डिफरेंटली इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर इन दैट वाइट ब्लैंक शीट और वेर एवर. लेट देयर आर्ट फ्लो, लेट द क्राफ्ट कम आउट ऑफ योर चाइल्ड. सो यस, ये मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे लगा मुझे इस टाइप की कुछ चीज़ लानी चाहिए जिसमें कलर्स इन्वॉल्व हों, जिसमें आइडियाज़ इन्वॉल्व हों. तो यस, मैंने ये ढूंढ के लाई थी स्मार्टो किड्स की वेबसाइट से. दिस इज़ अ फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी, अमेजिंग एक्टिविटी. उसके बाद ही इतना ही नहीं, ये एक्टिविटी यहीं ख़त्म हो जाती है बिकॉज इसमें मैनुअल में ही यू गेट अदर एक्टिविटी आइडियाज़ जिसमें अलग अलग, जैसे मैंने आपको वाइट शीट्स का बताया वो मेरे से नहीं निकला था, दिस इज़ ऑलरेडी गिवन ईयर. अदर एक्टिविटी आइडियाज़ में ये दिया हुआ है, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन वाइट शीट्स. इफ पॉसिबल ट्राई टू नरेट अ स्टोरी बाय क्रिएटिंग वेरियस कैरेक्टर्स विद फिंगरप्रिंट्स. तो यस, ऐसे ही करके इसमें हर तरीके के अदर एक्टिविटी आइडियाज़, मतलब कैसे एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई है, उसके बाद उसके और क्या स्कोप हैं और उस चीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है. सो यस, दिस इज़ वॉट स्मार्टर किड्स इज ऑल अबाउट, दिस इज़ वॉट दिस एक्टिविटी इज ऑल अबाउट, दिस इज़ वॉट टॉयज एंड इज अबाउट टुडे. सो यस, लेट द आर्ट ऑफ अ चाइल्ड फ्लो and ask him to be as creative as he can be, because creativity is one such tool. Creativity एक इतना महत्वपूर्ण शक्ति है which is definitely going to help your child ahead in his career and his future. Yes. So मैंने आज तीन activities आप लोगों को अच्छे से, दो से तीन, तीन से चार, चार से छः साल के बच्चों के लिए display कर दी है, अच्छे से खोल के दिखा दिया है कैसे आती है, कहाँ मिलती है. स्मार्टो किड्स की वेबसाइट पर मिल जाती है. इफ़ यू हैव नॉट येट चेकड आउट यू शुड गो एंड चेक आउट. और अगर सबसे ज़्यादा अगर दिस इज़ देयर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एज सच, और क्यों भी नहीं होगा, 11 इन 1 कॉम्बो में यू गेट इस तरीके की अलग अलग 7 डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं जिसमें वेराइटी बहुत होती है. अगेन आई एम टेलिंग, वेराइटी इतनी, कार्ड गेम, पजल गेम, बोर्ड गेम, क्यूब पजल, डोमिनोज, मेमोरी गेम्स, फाइंड द ट्विंस, हर तरीके के गेम्स आपको मिल जाते हैं एक बॉक्स बस लेने से. इतना ही नहीं है, ये जैसे एक तरीके से माने ना कि उनका सब्सक्रिप्शन चलता है. सब्सक्रिप्शन कैसे, ये महीने भर के बॉक्स के लिए बनाया गया है. तो ऐसे ही सब्सक्रिप्शन करने पे यू गेट 12 डिफरेंट बॉक्सेस डिलीवर्ड ईच ईयर एट योर डोरस्टेप. अगर आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स का ऑर्डर देते हैं तो यस, देयर इज़ अ सब्सक्रिप्शन टू फॉर ऑल एज ग्रुप्स, हर तरीके के एज ग्रुप के लिए, जिसमें उन्हीं की एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ होंगी, उन्हीं की एज के अकॉर्डिंग स्टोरीज होंगी. और यस, एक्टिविटी शीट्स भी जो होती हैं, 30 दिन की एक्टिविटी शीट्स भी इस बॉक्स में आती हैं. तो एवरीथिंग विल बी एज अप्रोप्रिएट एंड किड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट सो मच. सो विद दैट टॉयज हंट से मैं आज आपके लिए यही सब लाई थी. तो कल फिर से मिलते हैं एट अराउंड द सेम टाइम. बट यू डोंट फॉरगेट टू ऐड ऑन पीपल जो भी ढूंढ रहे हैं इस तरीके के गिफ्ट्स आइटम, मतलब गिफ्ट्स की तरह कितना अच्छा हो जाएगा ये, क्योंकि सिंगल सिंगल एक्टिविटीज़ अगर आप रिटर्न गिफ्ट में सोचें, अमेजिंग ऑप्शन हो जाते हैं. कोई भी चाइना टॉय देने से अच्छा यू कैन गिव देम दीज एक्टिविटीज़, क्योंकि ये कैसा है ना, ये मल्टीप्लेयर एक्टिविटीज़ भी हैं इनकी. एक एक्टिविटी जो 3-4 बच्चे मिलकर खेल सकते हैं, 2-3 बच्चे मिलकर खेल सकते हैं, सिंगल तो खेल ही सकते हैं. और भी जैसे हर तरीके के डोमिनोज हो गया, किड्स लव कार्ड्स, इजी टू कैरी एनी वेयर हो जाते हैं. ऑल्सो दे आर इको फ्रेंडली, दे आर यूजिंग लेसर प्लास्टिक्स. विद दैट दे आर अ मेड इन इंडिया ब्रांड एंड आई एम सरप्राइज्ड एट हाउ दिस एक इंडियन होम ग्रोन कंपनी इज डूइंग वंडर्स टू किड्स एक्चुअली. सो यस,
ये था मेरे पास आज स्मार्टो किट्स से आप सबके लिए, टॉयज एंड मैं स्वामी आपके लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़, गेम्स और टॉयज आइडियाज़ आपके बच्चों के लिए लाती रहती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दिस पेज अगर आप उनमें से हैं जो कि अपने बच्चों के लिए या अपने भतीजों भतीजियों के लिए या किसी भी आपकी आसपास में जितने भी बच्चों उनके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन सर्च कर रहे हैं कि उनको क्या एक्टिविटीज़ दें, क्या गेम्स दें, क्या टॉयज दें। तो दिस टॉयज हंट इज़ वन सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ आती हूँ इस टाइम पे अक्सर आपके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ का आइडिया देने, और कहाँ से लाती हूँ वो एक्टिविटीज सब आपको बताती हूँ। सो यस, विद दैट आई से बाय बाय टू यू टू ऑल यू गाइस। सो यस, उसके साथ ही यस बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड बी सेफ, कोरोना से बच के रहिए एंड यस समर्स एन्जॉय कीजिए विद ऑल दीज एक्टिविटीज़। घर में रखिए बच्चों को और ये एक्टिविटीज़ में एंगेज रखिए सो दैट वो बार बार गर्मी में धूप में बाहर ना जाएं। यस या सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, से बाय।